सर आपसे ये सवाल था कि ये वाली हैप्पी फिर भाग जाएगी पहली वाली हैप्पी से कितनी अलग, और अलग तो है ही लेकिन कितनी बेहतर है या उससे भी बेहतर है, कैसी? नहीं देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि दो हैप्पियों के बीच में चुनना, कभी कभी इस मर्द को इस दुविधा में मत डालिएगा कि उसमें उससे ये पूछा जाए कि दो लड़कियों में से उसको एक चुनना हो. नेवर पुट अ मैन इन दैट स्पॉट. बट यू नो आई हैव रिटन बोथ टू मी बोथ दी स्टोरीज आर माई बेबीज. आई के नॉट पिक बिटवीन द टू ऑफ देम. बट एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक किसी मॉडल का ध्यान ना रखते हुए, किसी एक खाके का, एक ढांचे का ध्यान ना रखते हुए, आप ये बात पकड़ लेंगे इमीडिएटली कि ये हैप्पी और ये हैप्पी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं. यू नो दे आर वेरी डिफरेंट गर्ल्स. दे रिप्रेजेंट द सेम इमोशन विच इज़ हैप्पीनेस. आई यू नो व्हेन आई पिक द टाइटल ऑफ दिस फिल्म आई ऑलवेज एंड आई एट डिफरेंट टाइम्स सेड इट टू मेंबर्स ऑफ माय कास्ट. आई ऑलवेज बिलीव हैप्पीनेस इज वन इमोशन इन योर लाइफ. इफ यू डोंट चेरिश इट, डोंट लुक आफ्टर इट, डोंट प्रोटेक्ट इट, वो भाग जाएगा. You know, that for me has always been what the title stands for. So they are, for me, both these girls are two remarkable representations of happiness. Sonakshi aur Dina, aap dono se ye sawal hai. Jaise ki aap is film mein dono hi happy hain. Asal zindagi mein aisi kaun si cheeze hain, aisi kaun si baatein hain jo aapko hamesha happy rakhti hain? Mera kaam mujhe bahut happy rakhta hai. I think I live for my work and what I do. It brings me immense joy. बहुत मज़ा आता है. एंड इसलिए आई डोंट ट्रीट इट लाइक वर्क, आई ट्रीट इट लाइक समथिंग दैट आई एम जस्ट सो पैशनेट अबाउट एंड दैट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय. काम के अलावा मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, खाना, यू नो बेसिक थिंग्स, द स्मॉल जॉयज इन लाइफ. आनंद सर आपसे सवाल है आपके स्ट्रेट आपके आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी नो दैट गुड फूड मेक्स मी सो हैप्पी. And I think Anand also knows this because I don't know why it doesn't show. But I love working with color yellow because there are five. Because some girls have all the luck. Two lunches, two dinners, then one in between tea time snack, everything. Color wow, this is a special. Bas karo yaar, bas. This is embarrassing now. Sab ladkiyan jealous ho rahi hai yahan par. Mera khoon jal raha hai yahan pe, meri aatma jal rahi hai andar se. Anand sir, aapse sawal hai, aapke straight mein sir. आपके राइट में स्ट्रेट में जी आपसे सवाल है कि चाइना को ही क्यों चीन को चुना है, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान था और इस बार चीन है, और जो रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया पाकिस्तान सॉरी चीन के हैप्पी भी रहे हैं, मिलने जुले हमेशा टाइम टू टाइम होते रहे, तो कोई खास कारण है? और कहीं ना कहीं से व्यंग्यात्मक तरीके से क्या हम वो भी देखेंगे इसमें फिल्म में? कहीं बारे में बेहतर मुदस्सर बताएगा, बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम लोग फिल्में बनाते हैं, हमारा कुछ हम इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, पर ये हमारे पास एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम कुछ दो चार बातें बोल देते हैं. उसका कितना असर होता है वो नहीं पता. मेन हमारा मकसद होता है आप लोगों का एंटरटेनमेंट, ऑडियंस का एंटरटेनमेंट. बट अगर हैप्पीनेस इन जगहों पर जुड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है. अगर हमसे इतना भी हो जाए कि कहीं ना कहीं इसको हम उस चीज़ से कनेक्ट कर दें, एक हैप्पीनेस से कनेक्ट कर दें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, सॉल्व हम में से कोई नहीं कर पाएगा. बट हम अपने मीडियम की तरफ से एक 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 खुशी, एक एक एंटरटेनमेंट, एक एक कॉर्डियल चीज़ आप बोल लीजिए, अगर हम दे पाएँ उससे बेहतर कुछ नहीं. कृषिका जी मेरा सवाल आप एक्चुअली एक मैं ना आपके ना आपके सवाल में आपका जवाब था बहुत खूबसूरत. दरअसल क्या है, हास्य व्यंग जो होता है, यू नो ह्यूमर थ्रू सार्केज्म और थ्रू सैटायर, वी शुड ऑल डेवलप एन एपिटाइट फॉर इट. एंड क्योंकि रिश्ते नरम गरम रहते हैं इन मुल्कों के साथ, मुझे लगता है कि इसलिए और उस पर हंसने की ज़रूरत है, ताकि यही एक तरीका है रिश्ते सुधारने का. मैंने वन के वक्त पे ना एक बड़ी किसी ने प्रेस के ही साथी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैंने उनको बोला था कि उन्होंने कहा था पड़ोसी को क्यों पिक किया आपने, मैंने कहा ऐसा है कि आप अगर एक घर में रहते हैं, अगर पड़ोसी बालकनी में कच्चे भी सुखाता है तो पड़ोसी पड़ोसी होता है, यू नो. तो वो जो एक एक फ्रेंडमीज वाले जोन में ख़ास तौर से ये दो मुल्क हैं, ऑल द मोर रीज़न दैट वी शुड हैव फिल्म्स दैट स्पीक अबाउट देयर कल्चर वर्सेस आवर कल्चर, अ सर्टेन बॉर्डर टेंशन दैट कीप्स प्रॉपिंग अप विद बोथ दीज कंट्रीज. सो या एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी आई इंटरप्टेड समबडी. यस शूट. कृषिका जी मेरा सवाल आपसे है, इंडस्ट्री में जिस तरह का चलन है
उसके विरुद्ध जाकर आप वुमन ओरिएंटेड फिल्मों को इतना प्रमोट क्यों करती हैं और इतने सालों से क्या आप कॉन्फिडेंट रहती हैं कि वो अच्छा कर पाएंगी, चाहे वो नील बट्टा सन्नाटा हो या बड़ी वुमन ओरिएंटेड फिल्म हो कंगना वाली? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ वुमन ओरिएंटेड फिल्म प्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अनजान अनजानी और देसी बॉयज से, तो इट इज़ ऑल मेल्स ओनली इन दैट. सो ऐसे कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट विच आई रियली एन्जॉय. एंड यस, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एक्चुअली वुमेन कैन कनेक्ट इवन मोर, सो आई एन्जॉय दोज मोमेंट्स टू. थैंक यू. हाय आनंद, दिस इज प्रियंका टूवर्ड्स योर लेफ्ट. हाय, दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. And we saw the song from Zero and everyone's talking about that. But as a director, how was it for you to shoot, two superstars? And how was it to be on the sets with them? I was very happy there. I was really happy. But does it get difficult to shoot two superstars and, to have them in one frame? मुझे नहीं लगता ऐसा, मतलब I've been very fortunate in that way. ये as a director नहीं जवाब दे रहा हूँ, as a person, as a human being बोल रहा हूँ. If you meet somebody और आपको उनके बीच में आप उनसे बात करते हो, अगर वो इंसान आपको समझ में आ जाता है, फिर वो स्टार नहीं रहता. वो एक ऐसा रिश्ता बोल दूंगा या एक ऐसा माहौल बोल दूंगा कि वो दोनों इतने बड़े हैं कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार है. तो ये उनकी उनका बड़प्पन है. हाय जैसी, गायत्री हियर फ्रॉम मिडडे ऑनलाइन. सो सिंस दिस योर डेब्यू फिल्म, सो हाउ वाज इट शूटिंग विद एवरीवन? एंड आई आल्सो हर्ड दैट यू वुड सिंग सॉन्ग्स टू इंप्रेस सोनाक्षी ऑन द सेट्स, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट. नहीं, बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था पहले के, क्योंकि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना था. पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सारे दिन निकल गए, स्पेशली क्योंकि सोना ऑलरेडी पंजाबी गाने सुनते हैं पहले से. सो उस टाइम मेरा एक गाना आया था, तो मैंने सोनाक्षी को सुनाया, तो उन्होंने इनको अच्छा लगा, तो उन्होंने प्रमोट भी किया बड़े अच्छे से. सो उस टाइम मुझे पता चला कि यार ये तो पंजाबी लड़की है पूरी, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट में मैंने बाद में गाने देखे, सारे ऑलमोस्ट पंजाबी गाने ही थे. सो बड़ा मज़ा आया. सो बहुत अपनापन फील हुआ वहाँ पे, मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं पंजाब से आया हूँ यहाँ पे और ये लोग सब पहली बार मेरे साथ काम करेंगे. स्पेशली मुदस्सर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, सब लोगों ने, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म है. सिंस द मूवी इज बेस्ड ऑन एन एस्केप जहाँ पे मतलब हैप्पी भाग रही है, अपनी लाइफ में रियल लाइफ में कोई ऐसा कोई एस्केप रहा है जो हिलेरियस रहा हो और जो यादगार रहा हो? I think Sonakshi has too many of those now. She's picking one. Yeah, कौन सा वाला बोलो? ये समझ नहीं आ रहा. But हुए हैं ट्यूशन टीचर से एस्केप, कभी कभी स्कूल से एस्केप, कॉलेज से, कभी कभी घर से एस्केप, कभी कभी अपराधी से एस्केप, बहुत हुए हैं. I have not really escaped so many things because I just don't have the knack for escaping, except in Happy, I think. But yeah, like in college, a little bit here and there, I used to bunk class because it was very boring. It was 8 in the morning, so I used to rather sleep.